हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर लगातार जो SSSC के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए टेंडर भेजे गए हैं। अभी तक जो 12 तारीख तक रिपोर्ट आनी है उनके लिए, लेकिन अभी टेंडर के ऑप्शन में एक और नया कॉलम आ चुका है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये 3 नए टेंडर के लिए आ चुके हैं। नोटिस रिगार्डिंग ई टेंडर के लिए, प्रोवाइडिंग मैन पावर ई टेंडर ये, और हायरिंग ऑफ प्राइवेट व्हीकल ई टेंडर, ये अलग अलग आ रहे हैं लगातार। इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई चल रही है। बहुत ही जल्दी ई टेंडर का जो हमें पिछली बार नोटिस मिला था कि 12 तारीख तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नोटिस, इसमें आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर बोला गया कि हमें 12 तारीख तक फाइनल करके बता दो सुबह 11 बजे तक। ठीक है, 12 तारीख तक ये बता देंगे ई टेंडर के लिए क्या कुछ होना है। इसके लिए बहुत सारी ये इसमें नोटिस आया हुआ था, आप देखोगे तो, कि प्री बिड मीटिंग हुई थी, ये होनी है, सब कुछ हो जाएगा। 10 तारीख को हो जाएगा, 12 तारीख को फिर इनका फाइनल हो जाएगा कि हमें ये टेंडर मिल चुके हैं, इस तरीके से हो चुके हैं। तो अभी लगातार ई टेंडर के नोटिस आ रहे हैं, इसीलिए इनका जल्दी से जल्दी ये रहने वाला कि 12 तारीख के बाद जैसे ई टेंडर कम्प्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो कि अखबार में फूटेज आई थी कि 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। 21 तारीख तो एग्ज़ाम तो नहीं होंगे, मतलब 10 दिन में ऐसे कैसे, मतलब इनको सेटअप भी तैयार करना पड़ेगा पूरा, तो 21 तारीख को तो नहीं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जनवरी फरवरी तो निकल चुकी है, मार्च में जाकर के आप लोगों के एडमिट कार्ड या पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। मार्च में किसी न किसी एक चीज़ का कुछ, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो सेक्रेटरी मतलब वो पटवारी हो, चाहे कहना पटवारी हो या ग्राम सचिव हो, किसी का भी एक का पेपर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अभी ई टेंडर के ऊपर पूरा जोर शोर से कार्य काम चल रहा है, डेली कोई ना कोई एक नोटिस आ जाता है कि ई टेंडर के लिए, ई टेंडर के लिए। ये नोटिस एक बार लगातार, जो नीचे वाले नोटिस हैं लगातार, ये आपको मैं दिखाऊँ, ये लगातार पहले आए थे कि हमें हरियाणा साहब PMT PST ये हरियाणा पुलिस के लिए हो गए, बाकी ये फ्रिस्किंग हो गया, CCTV कैमरा विद द लाइव स्ट्रीमिंग विदाउट लाइव स्ट्रीमिंग, और OMR सीट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये ड्राइविंग, ये उसके लिए हो गए। तो लगातार टेंडर के ऊपर नोटिस आ रहे हैं, अभी तक टेंडर का फाइनल नहीं हुआ है। टेंडर का फाइनल इन्होंने जो लास्ट एक टेंडर का दिया था उसमें बताया गया कि 12 तारीख को फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो फाइनल हुआ नहीं है। अभी तक तो टेंडर के नोटिस ही आ रहे हैं लगातार, नोटिस रिगार्डिंग ई टेंडर, मैन पावर ई टेंडर, प्राइवेट व्हीकल ई टेंडर। तो देखो बहुत ही जल्दी अगर ई टेंडर, ये इनके टेंडर ख़त्म हो जाते हैं, ठेके ख़त्म हो जाते हैं, फिर ही जाकर के आप लोगों से ये सोचिए कि हमारे पास जल्दी ही एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। इससे पहले चाहे कोई भी लिखे जाओ कि एग्ज़ाम डेट आ गई, एग्ज़ाम डेट आ गई, नहीं आई है भाई, नहीं आई है। एग्ज़ाम डेट पहले आ ही नहीं सकती, ठेका मिलने से पहले अगर पहले पूरा सेटअप तैयार नहीं होगा तो एग्ज़ाम डेट कैसे दे देंगे। एग्ज़ाम डेट मान लो 21 तारीख को अखबार में आ गई, 21 तारीख को एग्ज़ाम है, टेंडर को मिला ही नहीं तो 21 तारीख को एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। किसी कंपनी ने ठेका ठाया ही नहीं तो 21 तारीख को एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। SSSC खुद थोड़ी देगी, नहीं भाई, कंपनी को दी जाती है, जैसे TCS कंपनी होगी, ऐसे कंपनी को दिया जाता है ठेका। वो ठेका लेंगे, फिर अपना पूरा सेटअप तैयार करेंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम का अपने बंदे बिठाएंगे, CCTV कैमरा लगाएंगे, ऐसे कर करके मतलब पूरा सेटअप तैयार किया जाएगा। वो सेटअप ऐसा तो है नहीं एक दिन में तैयार हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रहने वाला है। तो हो सकता आपके ये फरवरी तो चली जाएगी, मार्च में आकर के कुछ देखा जाए तो पेपर हो सकते हैं, नॉट श्योर, मार्च में भी श्योर नहीं है, क्योंकि हमने भी एक जो सर्वे किया था आप लोगों के सामने, आप लोगों ने बोला था कि इनका कुछ पता नहीं भाई, ये पता नहीं कब लेंगे या कब नहीं लेंगे। तो इनका बस डेली क्या हो रहा है, डेली यही हो रहा है कि डेट आगे बढ़ाई जा रही है, एक और नई डेट, एक और नई डेट, आज फिर नई डेट, आज फिर नई डेट, ऐसे मिलता जा रहा है। तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए सुझाव दे सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।